नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा लाइव न्यूज। मैं हूं रवि कुमार गुप्ता, हाजिर हूं दरभंगा के खबरों के साथ। स्नातक प्रथम खंड 2019 से 22 में प्रथम चरण सूची में नामांकन की तिथि को बढ़ाई गई। तिथि का डेट 6/7/2019 तक रखी गई है, उसके बाद प्रथम चयन सूची का निरस्त हो जाएगा। नामांकन की मॉनिटरिंग समिति में आज यह निर्णय लिया गया है। रोटा वायरस टीकाकरण का आज उद्घाटन। आज दिनांक 3/7/19 को ACMO डॉक्टर दिलीप कुमार द्वारा सुमैया परवीन पिता मोहम्मद सदरे आलम की बच्ची को रोटा वायरस वैक्सीन का 5 बूंद पिलाकर जिला स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत आंगनबाड़ी सेंटर 44 ग्राम सारा मोहम्मदपुर सदर प्रखंड में की गई। उर्दू भाषा राज्य प्रोत्साहन योजना के तहत अंकित वर्ग समूह के छात्र छात्राओं के बीच विभिन्न विधाओं में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन 18 जुलाई को किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में मैट्रिक, इंटर, स्नातक एवं समकक्ष स्तर के शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों को भाग लेना है। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजम SM ने आज जाले प्रखंड में अवस्थित धार्मिक एवं पौराणिक महत्व के 2 स्थल का निरीक्षण किया। इसमें एक गौतम कुंड एवं दूसरा अहल्या स्थान शामिल है। जिला अधिकारी ने बताया है कि अहल्या स्थान एवं गौतम कुंड को जोड़ने वाले सड़क मार्ग को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जा रहा है। विभिन्न थानों में लंबित मामलाओं को लेकर के बुधवार को SDPO अनुज कुमार ने नगर थाना परिसर में समीक्षक बैठक की। इस दौरान नगर सर्किल क्षेत्र में सभी थाना अध्यक्ष को हत्या, डकैत, लूट, वारंट, कुर्की सहित अधिक संचिकाओं का ससमय अपडेट करने का निर्देश दिया गया। DIG सस्त्रनील सिंह ने बुधवार को SDPO कार्यालय पहुंचकर सभी थानाओं की लंबित विभिन्न कांडों की समीक्षा की। इस दौरान उपस्थित सभी थाना अध्यक्षों से DIG श्री सिंह ने लंबित फाइल, अनुसंधान पंजी का स्थिति का बारी बारी से जानकारी लेते हुए 1 सप्ताह के अंदर सभी लंबित मामलाओं का निष्पादन हर हाल में करने का निर्देश दिया। हम सभी के मनोरंजन के लिए दरभंगा आ रही है एक्ट्रेस अक्षरा सिंह और कॉमेडी किंग सुनील पाल, और उनके साथ हो गए ढेर सारे मस्ती और धमाल। तो हो जाए आप लोग तैयार, दिनांक 6 जुलाई को दरभंगा राज मैदान में यह कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम अजूरा मीडिया इवेंट प्राइवेट लिमिटेड करा रही है। धन्यवाद। आज थी यह दिन भर की खबरें। दरभंगा लाइव न्यूज को विदा कीजिए, कल फिर हाजिर होंगे न्यू अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।